अब इन दिनों में तो क्योंकि किताब के बिना कविताएं सुनाना आजकल बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ पुरानी कविता, मैं वो पहली कविता आपको सुनाता हूँ जिसके कारण से हिंदी के कवियों का ध्यान मेरी तरफ गया। मतलब बहुत शुरू में मैंने कुछ वर्ष मतलब बहुत प्रारंभ में लिखी थी, जो ज्ञानोदय में उस जमाने में छपी थी और उससे लोगों का ध्यान गया था। वो कविता का शीर्षक है बांसुरी मोरपंख। अब उसके बारे में आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं वो कविता सुनाता हूं। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा। किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पंख जो तुम्हारे सर पे चढ़ी और न भी चढ़ती, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी। बुरा न मानना मैं अब तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। एक और कविता याद आ रही है, पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है। पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है कि और भी साफ दिख जाता है तुम्हें उसमें अपना सपना। तुम किसे उकेरने लगते हो शिल्पी जो ठहरे, पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेरने में पत्थर से उतार देते हो। पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उकेरने में पत्थर से उतार देते हो। उनमें क्या सिसकता नहीं रहता होगा कोई पत्थर का भी, छत विक्षत सपना अपना। हाँ पत्थर तो उपकरण ठहरा, हाँ पत्थर तो उपकरण ठहरा, उसका अपना क्या सपना क्या। तो क्या वे जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते हैं। तो क्या वे जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते हैं, मूरत करने को किसी और का सपना।